तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि यहां पर पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक एक बलून जा रहा है, ठीक है। जब वो जा रहा होता है तब वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ। उस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। अभी उसमें से जो एक्स है, ये एक्स वेरिएबल, उसका जो भी इक्वेशन आएगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है, मतलब एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे? सो एक्स इज इक्वल टू 30t उसने दिया है, बराबर। अगर यहां पर t की वैल्यू मैं 0 डाल दू तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक्स इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे जैसे हम t की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहां पर उन्होंने बताया कि जो पाथ का इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द बलून फ्रॉम द स्टेशन ए, एक्चुअली ये है स्टेशन ए, ठीक है, सॉरी गलती से मैंने यहां पर ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्टेशन ए है, ठीक है। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द बलून फ्रॉम द स्टेशन ए व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अभी जब यहां से वो निकल करके जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएंगे तब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट p व्हेन x इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका जो बलून है वो पॉइंट p पे जा रहा है, बराबर, पॉइंट p पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। एंड एट t इज इक्वल टू 0 पे वो आपका इस पॉइंट a पे है, ठीक है। a का क्या है कोऑर्डिनेट? 0,0, ठीक है। और p का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर हमें x की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 30t, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर हमें दी है, तो यहां पर अगर आप t इक्वल टू 0,2 डालोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू 60, बराबर। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर, सब कुछ आसान था यहां पर। तो अभी अगर आपका x 60 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू आप यहां पर डाल दीजिए 60² / 100, तो आपको यहां पर मिल जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाती है यहां पर 36, ठीक है। यहां तक सब कुछ आसान है, बराबर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर एपी का डिस्टेंस चाहिए, इफ यू वॉन्ट द एपी, अगर आपको एपी चाहिए तो एपी कैसे मिलेगा? एपी करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। ये है आपका एक्स टोटल और ये है आपका वाई, बराबर, ये टोटल डिस्टेंस है वाई, ये है आपका एक्स। तो यहां पर आप कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्चुअली मैं एक्सपी प्लस वाई भी करता हूं इसको, तो ये एक्सपी है ये वाईपी है, ठीक है। तो आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 60² + 36², तो इसका वैल्यू होता है विच इज इक्वल टू 69.97, ठीक है। अभी इसके बाद में आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, बराबर, पॉइंट ए वाला, बराबर। तो आपका पहला क्वेश्चन ए सॉल्व हो चुका है क्योंकि आपने यहां पर डिस्टेंस ऑफ द बलून फ्रॉम द स्टेशन ए निकाल चुका है, बराबर। तो एपी का डिस्टेंस इज दिस, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला है कि मैग्नेट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बराबर। सब कुछ हमें टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा। सबसे पहले अभी आपका जो भी बलून है वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, दिस इज द एक्स, एंड वो वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, बराबर। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दोनों के अलोंग वो मूव कर रहा है, इसलिए वो इस प्लेन में है। तो उस बलून के पास एक कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा वाई कंपोनेंट, ठीक है। वो इस पैराबोला के अलोंग जा रहे हैं, बराबर। तो उसके जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगी वो होगी पैराबोला को परपेंडिकुलर, पैराबोला को पैरेलल, सॉरी पैराबोला को टेंजेंट, बराबर। उसकी जो भी वेलोसिटी होगी, लेट से दिस इज द वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी इस पैराबोला को टेंजेंट होगी, ठीक है। अभी देखिए उस वेलोसिटी के में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। उस वेलोसिटी को मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए यहां पर देखिए हमें दिया है कि x इज इक्वल टू 30 टी बराबर। अगर इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो dx बाय dt मिलेगा, मतलब क्या है vx मिलेगा आपको। तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी dx बाय dt विच इज इक्वल टू 30 बराबर, इतना मिल गया। और अगर आपको y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको dy बाय dt विच इज इक्वल टू ये चीज, वो हो जाएगा 30t का स्क्वायर अपॉन 100 का dt बराबर। इसका हमें चाहिए dt, तो कैसे मिलिए यहां पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो जब आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको d बाय dt ऑफ द 90 स्क्वायर आपको निकालना है बराबर। तो आपको निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा 80t, ठीक है, इतना मिल गया आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको निकालना है वो वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बराबर। तो वो कैसे आएगा देखते, यहां पर आपको मिलेगा 80 × 2, ठीक है, तो 36 आ जाएगा यहां पर बराबर, तो 36 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर कितना आया था, यहां पर आपका आया था 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों का भी आपको vx और vy दोनों का भी आपको रूट निकालना पड़ेगा, तभी आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करिए तो आपको v जो टोटल v है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर मैं डाल देता हूं, ठीक है, तो 36 प्लस 30 तो इसको कर लीजिए, तो आपको जो भी v मिलती है वो मिलेगा आपको 46.861 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको थीटा की वैल्यू चाहिए बराबर। तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए आपको टैन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी करना पड़ेगा, वी एक्स करना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा आपको देखिए, ये है वी बराबर, ये है टोटल वी। अभी उसके दो कंपोनेंट थे विच इज वी एक्स एंड वी वाई बराबर। तो अभी इस पे आपको वी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा, तो आपको ये एंगल चाहिए, तो ये है वी एक्स और ये है आपका वी वाई। तो टेन इनवर्स ऑफ वी एक्स वी वाई बाई वी एक्स विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो आप इन दोनों का टेन इनवर्स करिए तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं यहां पर अच्छे से, तो वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स ऑफ 36/30, तो वो आ जाता है आपका 50.19, ठीक है, डिग्री। अभी इसके बाद में आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी निकाल लिया, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन चाहिए, इसका आंसर चाहिए, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। ये कैसे आएगा, अभी आपको यहां पर वेलोसिटी तो आपको मालूम है कि वी एक्स इतनी है, वी एक्स है यहां पर 30 है बराबर, वी एक्स है 30 एंड वी वाई है 80t, ठीक है। अभी इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो मुझे ax मिलेगा कुछ इस तरह से। अभी देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि vx इज द कांस्टेंट, vx क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी vx टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसकी जो वैल्यू है वो टाइम इनवेरियंट है बराबर, इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, तो वो कांस्टेंट है। तो किसी भी चीज का जो भी कांस्टेंट होगा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहां पर ये कांस्टेंट था इसलिए जो भी इसका डेरिवेटिव होगा डी वी एक्स बाय डी टी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ए वाई मिल जाएगा, यहां पर आपका ए वाई क्या होगा डी वाई बाय डी टी डी वी वाई बाय डी टी। अभी आपका आपको वी वाई दिया था 18t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आउटपुट है, अगर आपको ए नेट चाहिए बराबर, तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, पर आपका ए एक्स स्क्वायर तो जीरो है और ए वाई स्क्वायर आपका है 18 स्क्वायर बराबर। तो उसका रूट निकालोगे
तो आपको जो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा वो विल बी इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ही ये इक्वेशन आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, हमें मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया कितना है 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए आपको कि यहां पर आपका एक्स डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। तो आपका जो भी टोटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा इन द वाई डायरेक्शन, तो आपका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, बराबर वर्टिकली होगा और ऊपर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका ये बलून ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ए वाई इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इक्वल टू ए नेट। ठीक है, तो आपका ये है नेट एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी मालूम पड़ गए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमने यहां पर सोल्यूशन निकाल लिया, बराबर फाइनल सोल्यूशन है ये सब कुछ, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया है जो भी मैंने बताया इस वीडियो में। तो अगर आपको 100% क्लियर है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।